बारे में हम एक ही चीज बताना चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता से हम बोलना चाहेंगे, जितना भी मेरा हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, भाई इसका विरोध करो। तुम लोग जिस तरह से पीके में देखे हो कि क्या हुआ तुम्हारे हिंदू देवतालों के साथ, शंकर जी को बाथरूम में बंद करके उनको डरा जाओ, कौन होता है? नाम पेपर में लिखा है। ये हम बता रहे हैं आप सभी को, बायकॉट करिए और एक साथ हिंदुत्व का ताकत दिखाइए कि क्या है। आखिर वो व्यक्ति जो कलाकार है आमिर खान, उसको माफी मांगना होगा, नहीं तो जितना भी मूवी निकालेगा सब मूवी बायकॉट होगा। ये एक सनातनी का वादा है आपसे, और जितने भी हमको देख रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि प्लीज इसको बायकॉट करिए और अपनी अस्तित्व बचाइए। जिस तरह से हम लोग अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आगे आने वाला समय में हम लोग खत्म हो जाएंगे एकदम। इस मूवी का बायकॉट नहीं कर रहे हैं हम, एक ही चीज बता रहे कि हम कलाकार का बायकॉट कर रहे हैं। कलाकार हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा कलाकार जो मेरा हिंदू संस्कृति पे आके दाग लगाए। हमको नहीं चाहिए दोगला लोग, ऐसा कलाकार चाहिए आपको, ऐसा कलाकार चाहिए आपको जो हिंदुत्व को बचाए। अरे हमको दूसरा का इससे संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे जो कर रहा है करे, लेकिन मेरा देवता लोग तुम क्यों बोलोगे? तुम कौन होते हो बोलने वाले? जो पॉसिबल होगा, जितना हम सक्षम हैं हम उतना दूर जाएंगे। इस मूवी का एक सनातनी का वादा आप लोगों जैसा हम बोले, मेरा सारे हिंदू भाई हैं, हम लोग वचन देते हैं कि जितना हमसे बल पड़ेगा उतना हम लोग बायकॉट करेंगे इस मूवी को। नाम बताइएगा। हर्षित सिंह। अरे हमेशा से मजाक बनाया है लाल सिंह चड्ढा से, हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है यहाँ पे आमिर खान से, जो कि हिंदुत्व का हमेशा मजाक बनाया है। इसलिए हम लोग चाह रहे कि ये फिल्म को कहीं भी चलने ना दिया जाए, और इसलिए हम लोग इस फिल्म को बहिष्कार कर रहे हैं। इस फिल्म में बता दिए कि इस फिल्म से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इस फिल्म का कलाकार से मतलब है, आमिर खान से मतलब है। चलते चलते क्या बना?